तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं प्रभव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस सफर के चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है वह नन्ही सी प्यारी सी जगह। शिमला, मई 1947। लुइस माउंटबेटन को अब वातानुकूलन की आवश्यकता नहीं थी। उनके अध्ययन कक्ष की खिड़की से जो दृश्य दिखाई दे रहा था, उसी में इतनी ठंडक थी कि वातानुकूल अनावश्यक हो जाए। हिमालय, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला की बर्फ ढकी चोटियां, जो भारत को तिब्बत और चीन से अलग करती हैं। हरियाली, हरियाली, हरियाली। रात दिन के तनावपूर्ण कार्यक्रमों ने माउंटबेटन को थका दिया था और उन्होंने अपने पूर्व शासकों द्वारा स्थापित परंपरा को निभाते हुए दिल्ली छोड़कर शिमला आ जाने में ही गनीमत देखी। लॉर्ड इसमें की लंदन के लिए रवानगी के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने शिमला की शरण को स्वीकार किया। शिमला जो खास अंग्रेजों द्वारा रूपायित किया गया था। हिमालय के चरणों पर बैठी वह नन्ही सी नगरिया रहस्यमय ढंग से अव्यवस्थित होते हुए भी पूरे भारत की व्यवस्था का निश्चित केंद्र बन जाया करती। एक शताब्दी से भी ज्यादा समय बीत चुका था जब अंग्रेजों ने पहली बार फैसला किया कि साल के 12 में से 5 महीने वे भारत की राजधानी को शिमला में ले जाया करेंगे, जो कि दुनिया की छत माने जाने वाले तिब्बत के ठीक नीचे 7300 फीट की ऊंचाई पर आसन जमाए बैठी है। तब से शिमला ने उस शाही शिखर का रूप प्राप्त कर लिया था, जहां से अंग्रेज न केवल समूचे भारत पर बल्कि रक्त सागर से ब्रह्म देश के बीच फैले अपने छोटे बड़े भूखंडों पर भी गर्वीली नजरें फेरते रह सकते थे। शिमला एक नन्ही सी प्यारी सी जगह थी, जहां विक्टोरियन स्टाइल की ईसाइयत खूब पनपी थी और जहां मानो कदम कदम पर अदृश्य इश्तिहार लगे हुए थे कि यह जगह अंग्रेजों ने खास अंग्रेजों के लिए विकसित की है। यह हरी भरी शीतल पहाड़ी नगरी भारत के सूखे, गर्म और भीड़ के भार से दबे अन्य इलाकों को हमेशा हिकारत की नजर से ही देखेगी। हर साल अप्रैल के मध्य में जब गर्मियां शुरू होती, वॉइसरॉय की सफेद सुनहरी ट्रेन शिमला की ओर चल पड़ती और उस पहाड़ी राजधानी की शान शुरू हो जाती। शान शुरू होने का अर्थ था इन सबका आगमन। वॉइसरॉय के अंगरक्षक, सचिव, एडीसीगढ़, जनरल अम्बेसडर और उनके स्टाफ के लोग और आईसीएस के सभी प्रमुख पदाधिकारी भी। इनके अलावा दर्जियों, नाइयों, मोचियों, सुनारों, शराब व्यापारियों और मेम साहबों और उनके पालतू पशुओं का भी आगमन होता था। 1903 तक शिमला जाने की एक छोटी रेल लाइन कालका में खत्म हो जाती थी, मंजिल से 42 मील दूर। सारा तामझाम दो दो घोड़े वाले तांगों में लादकर 8-8 घंटों की यात्रा द्वारा शिमला की पहाड़ियों पर पहुंचाया जाता। यात्री भी तांगे में ही जाते। अधिक भारी सामान बैलगाड़ी द्वारा और सबसे भारी सामान मनुष्य द्वारा अपनी पीठ पर लादकर ढोया जाता। कुलियों की लंबी कतारें, जिनकी रीढ़ की हड्डियां सामान के बोझ से कमान की तरह झुकी रहती, धीमे धीमे शिमला की चढ़ाइयां पार करती, ताकि डिब्बा बंद मांस, सॉस, शैंपेन आदि के वे जबरदस्त केस ऊपर पहुंचाए जा सके, जिनके कारण शिमला की पार्टियों की शान बेमिसाल समझी जाती थी। शिमला का काम कुलियों के बिना कदापि नहीं चल सकता था, क्योंकि वह एक ऐसी नगरी थी जहां घोड़े की टापों अथवा कारों की गुर्राहटों के बदले मनुष्य के नंगे पैरों की मुलायम थपथप सुनने को मिलती थी। पुरानी परंपरा चली आ रही थी कि शिमला में केवल 3 घोड़ा गाड़ियों और बाद में केवल 3 कारों को नियमित आवागमन की अनुमति दी जाए। एक तो स्वयं वाइसरॉय की गाड़ी, दूसरी गाड़ी भारतीय फौज के कमांडर इन चीफ की और तीसरी पंजाब के गवर्नर की।
शिमला में यह चुटकुला काफी प्रख्यात था कि वहां एक बार स्वयं ईश्वर ने गाड़ी रखने की इजाजत मांगी, लेकिन उसे भी इनकार कर दिया गया। जब तक अंग्रेज भारत से गए नहीं, शिमला का अधिकांश आवागमन रिक्शा पर आधारित था। आकार में वे रिक्शे खासे बड़े हुआ करते। हर रिक्शा 5 आदमियों की टोली द्वारा संचालित होता। 4 आदमी रिक्शे को खींचने में लग जाते और 5वां सबके साथ अलग से दौड़ता, ताकि अगर कोई ज्यादा थक जाए तो उसकी जगह वह खुद आ सके। जैसे कि परंपरा थी, ये कुली जूते नहीं पहनते थे। उनके मालिक बड़े जोश खरोश के साथ उन्हें शानदार पोशाक पहनाया करते, मानो उनके पैरों का नंगापन ढकने का यही एक उपाय हो। ज्यादा से ज्यादा शानदार पोशाक सिलवाकर अपने कुलियों को पहनाने की होड़ मची रहती। सुर्ख लाल रंग की पोशाक वॉइसरॉय के कुलियों की थी, लिहाजा अन्य कोई व्यक्ति अपने कुलियों को वह रंग नहीं दे सकता था। एक स्कॉट आदमी ने अपने कुलियों को धारियोंदार पोशाक पहनानी शुरू कर दी। एक और निवासी ने पोशाक के 2 जोड़े सिलवाए। कुली एक जोड़ा दिन को पहनते और दूसरा शाम या रात को। प्रायः सभी कुली अपने मालिकों के नाम का बिल्ला अथवा कोई और संकेत चिन्ह पोशाक पर लगाया करते। इसी तरह शिमला के प्रायः सभी कुली तपेदिक के मरीज हुआ करते। अपने मालिकों को वे जिन पार्टी स्थलों की ओर ले जाते, उनकी चमक दमक हमेशा आसमान छूती रहती। जैसा कि स्वाभाविक और आवश्यक था, वॉइसरॉय के लॉज की चमक दमक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। बॉल डांसों और गार्डन पार्टियों में आने जाने के लिए वॉइसरॉय के निजी रास्ते थे। नगर के जिन गणमान्य व्यक्तियों को उन रास्तों का उपयोग करने की छूट मिल जाती, वे अपने रिक्शों पर लाल फीतों के फूल लगाया करते। आम रास्तों से आते जाते व्यक्तियों के रिक्शों पर सफेद फीतों के फूल लगे रहते। फूलों का रंग चाहे जो होता, उन रिक्शों में बैठी गोरी सवारियों को हमेशा एक तसल्ली रहा करती। वॉइसरॉय के लॉज में उन्होंने एक बार प्रवेश किया नहीं कि काले लोगों से आमने सामने का खतरा फौरन टल जाता, बशर्ते इक्के दुक्के राजा महाराजाओं को अपवाद स्वरूप सह लिया जाए। वॉइसरी गर्ल लॉज में आयोजित बॉल की गरिमा का वॉइसरी गर्ल लॉज में आयोजित बॉल की गरिमा का अंदाजा लगाना आसान नहीं, ये एक महिला का कथन है। आगे कहती है, रात का वक्त ही रिक्शों की लंबी कतारें धीमे धीमे पहाड़ी पर चढ़ रही हो। हर रिक्शे में एक छोटा सा दीपक लगा हो, अंधेरे में चमकता दीपक और उस सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही हो, सैकड़ों नंगे पैरों की कोमल थप थप थप। वॉइसरी गर्ल लॉज के बाद शिमला के सामाजिक जीवन की धड़कन का दूसरा केंद्र था सी शेल्स होटल। मृदुता, चुस्ती और स्वच्छता आदि में उसकी गणना दुनिया के श्रेष्ठतम होटलों में की जा सकती थी। उसकी मेजों पर बिछा लिनन आयरिशा था। चांदी के बर्तन खास मैपिन एंड वेब कंपनी ने तैयार किए थे। चीनी मिट्टी और कांच के बर्तन जर्मनी से आए थे। लेकिन शिमला के दिल की जगह अगर किसी को दी जा सकती है तो माल को। जिस पहाड़ी पर शिमला नामक शीतल नगरिया बसी है, उसके एक छोर से दूसरे छोर तक खिंची हुई लंबी चौड़ी सुंदर चिकनी सड़क, यही है माल। जितनी सावधानी से वॉइसरॉय के चीनी मिट्टी के बर्तन स्वच्छ किए जाते, उतनी ही सावधानी से उस सड़क को भी स्वच्छ रखा जाता। वहां जो कुछ था सब इंग्लिश था, दुकानें, बैंक, रेस्टोरेंट, सब कुछ। प्रथम विश्व युद्ध तक भारतीयों को माल पर चलने की मनाही थी। इस मनाही में ही शिमला का सार छुपा हुआ है। हर साल अंग्रेज जब शिमला जाया करते तो उसका अर्थ केवल इतना ही नहीं था कि वे गर्मी से बचना चाहते हैं, बल्कि यह भी था कि देखो हम अंग्रेज हैं, हम गोरे हैं, हम ऊंचे हैं, इतनी ऊंचाई पर जाकर हम राज्य करते हैं कि सारा हिंदुस्तान हमारे चरणों पर आ गिरता है। बिलबिलाती काली जनता पर हमारा यह गोरा सुंदर शासन।
माउंटबेटन ने मई 1947 के प्रारंभिक दिनों में जब शिमला में पदार्पण किया तो वहां के शाही ठाट डूब चुके थे और माल पर चलने की इजाजत हिंदुस्तानियों को दे दी गई थी, बशर्ते वे अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहने हुए ना हो। भारतीय नेताओं के साथ बार बार और लगातार बहस मुबाहिसे करके माउंटबेटन को चाहे कितनी ही थकान क्यों ना हो गई, उनके उत्साह और आत्मविश्वास में रंच मात्र भी कमी नहीं आई थी। आखिर उन्होंने केवल 6 महीने में वह काम कर दिखाया था जिसे उनके पूर्व शासक वर्षों से भी नहीं कर सके थे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के पते पर उन्होंने वह योजना भेज दी थी जिसमें इंग्लैंड को एक ऐसा सम्मानजनक सुझाव दिया गया था जिसे भारत त्याग के समय अपनाया जा सकता और जो भारतीयों के सामने भी एक ऐसा हल पेश करता था जिससे उनकी राजनीतिक गुत्थी सुलझ सकती थी, चाहे उस हल को स्वीकार करना कितना ही पीड़ाजनक क्यों ना होता। लंदन से रवाना होने से पहले माउंटबेटन ने एटली सरकार से जो अद्भुत विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए थे उनके जोर पर इन्होंने अपनी योजना पर भारतीय नेताओं की राय अथवा सहमति लिए बिना ही सारा मसौदा इंग्लैंड भेज दिया था। एटली सरकार को माउंटबेटन ने अपनी ओर से विश्वास दिया था कि जब भी यह योजना भारतीय नेताओं के सामने रखी जाएगी वे इसे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन शिमला के शांत वातावरण में उन्होंने जब दोबारा विचार किया तो अनेक आशंकाएं घुमड़ उठी। क्या उन्होंने जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी ढंग से काम नहीं किया था? यदि वह योजना भारतीय नेताओं ने बिल्कुल ही अस्वीकार कर दी तो माउंटबेटन को कैसी जग हसाई का सामना करना पड़ेगा? मसौदा भारतीय नेताओं को दिखाए बिना इंग्लैंड नहीं भेजा जाना चाहिए था। अब सहसा उनके दिमाग में बिजली सी कौंधी, क्यों ना इस मामले पर जवाहरलाल नेहरू से व्यक्तिगत रूप में बहस कर ली जाए। नेहरू की प्रतिक्रिया से अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय नेताओं को वह योजना अंदाजन कितनी पसंद आएगी या कितनी ना पसंद। पिछले दिनों नेहरू और माउंटबेटन के बीच दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। सहयोगियों की पूर्ण असहमति की भी उपेक्षा करके लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था कि आइए शिमला में छुट्टियां मेरे साथ बिताइए। उस रात माउंटबेटन ने नेहरू को अपने अध्ययन कक्ष में आने और शराब का एकाध पैक स्वीकारने का आमंत्रण दिया। नेहरू जी आए। सामान्य बातचीत के बीच माउंटबेटन ने अपने प्रस्ताव का वह मसौदा उनकी तरफ बढ़ा दिया। थोड़े बहुत संशोधनों के साथ लंदन की सहमति मिल चुकी थी। रात को सोने से पहले इसे पढ़ जाइएगा, ये माउंटबेटन का स्वर था। बात केवल मेरे और आपके बीच रहे, सुबह अपनी राय दीजिए। कांग्रेस के अन्य नेताओं पर इस प्रस्ताव की क्या प्रतिक्रिया होगी? कुछ घंटों बाद नेहरू जी अपने शयन कक्ष में उस मसौदे को ध्यान पूर्वक पढ़ रहे थे। एक ऐसी योजना उनके हाथ में थी जिस पर उनके देश का भविष्य गढ़ा जाना था। ज्यों-ज्यों उन्होंने पढ़ा वह स्तब्ध होते गए। यदि सचमुच इसी योजना पर अमल किया गया तो देश का विभाजन 2 नहीं दर्जन भर टुकड़ों में हो जाएगा। माउंटबेटन ने प्रस्ताव रखा था कि यदि किसी प्रदेश की प्रजा चाहे तो भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी के भी साथ मिलने से इनकार कर अपने प्रदेश को स्वतंत्र राज्य भी बना सकती है। इस प्रस्ताव के पीछे माउंटबेटन की भावना केवल यह थी कि प्रजा पर न तो भारत थोपा जाए और न ही पाकिस्तान। प्रजा अपना निर्णय अपने आप करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र रहे। जो प्रजा पाकिस्तान में मिलना चाहे वह पाकिस्तान में मिले, जिसे भारत के साथ मिलना है वह भारत का अंग बने, जिसे दोनों से अलग रहना हो वह सहर्ष अलग रहे। बंगाल का विभाजन सुखद और व्यवहारिक नहीं रहेगा, यह माउंटबेटन जानते थे। बंगाल की हर सड़क हर रेलमार्ग कलकत्ता की ओर जाता है। कलकत्ता ही बंगाल का मन है और मस्तिष्क भी। जूट चावलों की फसलें कलकत्ता आती हैं, वहीं उनका व्यापार होता है,
विभाजन की कोई रूपरेखा इस प्रकार नहीं खींची जा सकती थी जिससे कलकत्ता को आधा आधा तोड़कर हिंदू मुसलमानों के बीच बांट दिया जाता। मुसलमानों की आबादी पूर्व बंगाल में केंद्रित होने के कारण उस हिस्से को ही पाकिस्तान का रूप देना होता। यानी समूचा कलकत्ता महानगर भारत के हिस्से में आ जाएगा। पूर्वी बंगाल का सारा व्यापार कलकत्ता में केंद्रित होने के कारण कलकत्ता ज्यों ही भारत में गया त्यों ही व्यापार ठप। कलकत्ता के सारे कल कारखाने जिन फसलों पर आधारित हैं उनका अधिकांश पूर्वी बंगाल में केंद्रित होने के कारण वह हिस्सा ज्यों ही पाकिस्तान में गया त्यों ही आपूर्ति लाइन कटी, कल कारखाने ठप। वास्तव में कलकत्ता को पूरे बंगाल से अलग काटा जा ही नहीं सकता था, जबकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों द्वारा अनुमोदित विभाजन शर्त के अनुसार बंगाल का विभाजन करना ही होगा, यानी कलकत्ता को बंगाल के पूर्वी हिस्से से अलग काटना ही होगा। यह ना पूर्वी बंगाल के हित में रहेगा न पश्चिमी बंगाल के। तो क्यों ना बंगाल की प्रजा को ऐसा अधिकार दिया जाए जिससे वह कह सके कि राजनीति के गंदे खेल में पड़े बिना, भारत या पाकिस्तान में से किसी के भी साथ मिले बिना, हम अपने बंगाल को अखंड और स्वतंत्र बनाए रखना चाहते हैं। तभी पूर्वी बंगाल का व्यापार चलेगा और पश्चिमी बंगाल के कल कारखाने। किंतु दूरदर्शी जवाहरलाल नेहरू तुरंत समझ गए कि जो सुविधा केवल बंगाल की प्रजा को ध्यान में रखकर प्रस्ताव में शामिल की है उसका लाभ देश के तमाम रजवाड़े उठाना चाहेंगे और देश की एकता में जो अनेकानेक छिद्र पड़ जाएंगे उनमें से भारत का रक्त रिस रिस कर बहने लगेगा। नेहरू ने तत्काल हिसाब लगा लिया कि अगर कलकत्ता का बंदरगाह हाथ से चला गया तो यह भारत के फेफड़े निकाल लेने जैसी बात होगी। बड़े से बड़े महत्वपूर्ण कारखाने वही हैं। कश्मीर, नेहरू जी का प्यारा कश्मीर, अगर वह छिन गया तो भारत का नंदन वन चला जाएगा। अगर हैदराबाद ने पाकिस्तान में मिलने का फैसला किया तो भारत के बीचों बीच एक ऐसा देश पैदा होगा जिसे भारत का उदर पचा नहीं सकेगा। कश्मीर, बंगाल और हैदराबाद की देखा देखी और भी अनेक राज्य भारत की अपेक्षा पाकिस्तान में मिलने या स्वतंत्र रहने का फैसला कर सकते हैं। तबाही मच जाएगी। भाषा, संस्कृति, जाति सभी धरातलों पर भारत में इतने भिन्न भिन्न रंग फैले हुए हैं कि यह देश आगा पीछा सोचे बिना तत्काल ही फूट का शिकार हो जाता है। नेहरू जी अपने देश के इस स्वभाव को भली भांति पहचानते थे। एक दूसरे से खार खाने वाले और अंदर ही अंदर निहायत कमजोर छोटे छोटे अनेक रजवाड़ों में सारा देश टूट जाएगा। देश का ढांचा एकदम लड़खड़ा कर गिरने लगेगा। फूट, ईर्ष्या और वैमनस्य की आग देश को भस्म कर देगी। 3 शताब्दियों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया, फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाकर। अब ऐसा लग रहा था मानो जाते जाते वे एक नई नीति को जन्म देने की सोच रहे हैं, तोड़ो, बिखेरो, छोड़ो, चले जाओ। नेहरू जी क्रोध से कांप गए, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। अपने गहरे दोस्त कृष्ण मेनन को वह शिमला साथ लेके आए थे। उत्तेजना से भरे हुए वह कृष्ण मेनन के कमरे में पहुंचे। मसौदे के कागजात को पलंग पर फेंकते हुए नेहरू जी चिल्ला पड़े, खत्म, सारा खेल खत्म, डूब गई लुटिया। अगली सुबह माउंटबेटन को अपने दोस्त की तीखी प्रतिक्रिया की सूचना एक पत्र के रूप में मिली। आत्मविश्वास से झूमते वायसराय के लिए वह पत्र जैसे कोई बम ही था। पिछले 6 सप्ताहों की उधेड़ बुन और मेहनत के बाद माउंटबेटन ने जो रूप रेखा खड़ी की थी, नेहरू जी के पत्र ने उसे ताश के महल की तरह गिरा दिया। नेहरू जी ने स्पष्ट लिखा था कि यह योजना आंतरिक संघर्ष, अव्यवस्था और फूट को जन्म देगी। इसका मसौदा पढ़ने में ही डरावना लगता है। यदि इसे कांग्रेस के सामने रखा गया तो पार्टी का एक एक व्यक्ति बुरी तरह बौखलाएगा।
और इसे सख्त नापसंद करेगा। माउंटबेटन के आलोचकों ने उन्हें अनावश्यक रूप से आत्मविश्वासी कहने में कभी संकोच का अनुभव नहीं किया है, जबकि वह ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा दोनों पहलुओं पर विचार करके आगे बढ़ते थे और हार के क्षणों में भी उपयोगिता ढूंढ लेते हैं। इसीलिए नेहरू जी के उन तीखे शब्दों ने माउंटबेटन को खिजाया नहीं, उन्होंने तुरंत दूसरे पहलू पर गौर किया कि अच्छा हुआ जो मैंने सहयोगियों की अनिच्छा के बावजूद योजना का मसौदा जवाहरलाल को दिखा दिया। अगर दिखाए बिना ही यह योजना मैं कांग्रेस के सामने रख दी होती तो अभी तो अकेले जवाहरलाल रुष्ट हैं, उस सूरत में तो पूरी कांग्रेस पार्टी रुष्ट हो जाती। सारा खेल अभी भी हाथ में है, योजना में जरूरी फेरबदल किया जा सकता है। यह वायसराय का सौभाग्य था कि इतने तीखे मतभेद का आघात लगने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं पड़ी। उनके आग्रह पर नेहरू जी एक और रात रुकने के लिए तैयार हो गए ताकि आवश्यक परिवर्तन करके प्रस्ताव को कोई ऐसा रूप दिया जा सके जिससे कांग्रेस के सामने रखे जाने पर उसे स्वीकृति मिल जाने की अधिकतम संभावना रहे। योजना के उन सभी छिद्रों को मूंदना होगा जिनके कारण नेहरू जी उतने बौखला गए थे। नए प्रारूप में राजाओं और रजवाड़ों से कहा जाएगा कि उन्हें दो में से किसी एक का ही चुनाव करना है, भारत या पाकिस्तान। अपनी सत्ता अलग जमाने का सपना उन्हें नहीं देखना है। बंगाल की एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कल्पना मिट चुकी थी। बंगाल का पूर्वी हिस्सा अब पाकिस्तान का ही एक अंग बनेगा। फलस्वरूप पाकिस्तान को दो सिरों वाला राष्ट्र की उपाधि मिल जाएगी। माउंटबेटन जानते थे कि जिन्ना का यह दो सिरों वाला राष्ट्र ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा। कुछ समय बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने C.R. राजगोपालाचारी के सामने निसंकोच यह भविष्यवाणी कर दी थी कि पूर्वी बंगाल चौथाई शताब्दी के बीतते बीतते पाकिस्तान से अलग हो चुका होगा। राजगोपालाचारी वह व्यक्ति थे जिन्होंने माउंटबेटन के बाद वॉइसराय का पद संभाला। यदि केवल एक साल के फर्क को ध्यान में न रखा जाए तो माउंटबेटन की उक्त भविष्यवाणी बिल्कुल सच निकली। तीव्र संघर्ष करके 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। विभाजन की उस योजना को नए सांचे में ढालने के लिए माउंटबेटन ने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिसकी पोजीशन उनके स्टाफ के तमाम भारतीयों के बीच सबसे ऊंची थी। यह संयोग सचमुच मस्करीपूर्ण था कि उतनी नाजुक जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को सौंपी गई वह उस प्रशासनिक तंत्र का सदस्य था ही नहीं जिसका हवा उन दिनों कम बड़ा नहीं था। इंडियन सिविल सर्विस, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की भी कोई डिग्री उसके रुतबे में चार चांद लगाने की प्रस्तुति नहीं करती थी। नवा इतने ऊंचे परिवार से आया था कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता और निकल जाता। वॉइसरॉय के स्टाफ में जो एक से बढ़कर एक संभ्रांत कर्मचारी थे उनके बीच वीपी मेनन को फिट करना आसान नहीं था। आत्मनिर्माण और आत्मनिर्भरता का आदर्श उदाहरण वीपी मेनन के रूप में ही जीवंत हुआ था। 13 साल की कच्ची उम्र में स्कूल का त्याग करके वीपी मेनन को रोजी कमाने के लिए निकलना पड़ा। 12 सदस्यों के परिवार का सबसे बड़ा लड़का वही था। मामूली मजदूर के रूप में उसने ठेकों पर, फैक्ट्रियों में और कोयले की खदानों में काम किया। फिर उसे सदर्न इंडियन रेलवेज में भट्टी संभालने की नौकरी मिली। उसने कपास की दलाली और स्कूल में मास्टरी के भी प्रयोग किए जिसमें सफलता नहीं मिल सकी। आखिर उसने केवल 2 उंगलियों से टाइप करना सीखा और 1929 में शिमला में भारत सरकार की नौकरी पाई। इसके बाद वीपी मेनन धूमकेतु की तरह ऊपर चढ़ता गया। सरकारी नौकरी के बीच शायद ही किसी की तरक्की इतनी तेजी से हो रही हो जितनी वीपी मेनन की। सन 1947 में आते आते मेनन की हैसियत ऐसे हो चुकी थी कि वॉइसरॉय के स्टाफ में सबसे वरिष्ठ लोगों के बीच वह बैठने लगा था। माउंटबेटन का विश्वास उस पर शीघ्र ही जम गया। इस विश्वास को स्नेह में बदलते देर न लगी। माउंटबेटन ने मेनन को सावधान किया
कि भारत को आजादी दिलाने जा रहे इस मसौदे को शाम होते होते नया रूप मिल जाना चाहिए। मसौदे का मूल मंत्र है विभाजन, जो ज्यों का त्यों रहेगा। शेष मुद्दों को चाहे जिस रूप में बदला जाए, किंतु सर्वोपरि भावना यह रहनी चाहिए कि भारत के साथ जुड़ना है या पाकिस्तान के साथ, इसका फैसला स्वयं जनता के हाथ में हो। प्रादेशिक संसदों के माध्यम से जनता अपना फैसला सामने रख सकती है। माउंटबेटन के आदेशानुसार मैनन ने अपना काम शाम होते होते पूरा कर लिया। ऑफिस के पोर्च में बैठकर हिमालय के विहंगम दृश्य का आनंद लेते हुए लंच से डिनर के बीच फैले समय में, यानी मुश्किल से 6 घंटों तक काम करके एक ऐसे व्यक्ति ने भारतीय आजादी को नए सांचे में ढालने का गौरव प्राप्त किया, जिसने अपनी सरकारी नौकरी 2 उंगलियों से टाइपिंग करते हुए शुरू की थी। उसने जो मसौदा दोबारा लिखकर तैयार किया, उस आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप को नए सिरे से व्यवस्थित किया जाना था और दुनिया का नक्शा भी बदल जाने वाला था। महात्मा गांधी। अपेंडिसाइटिस का तेज हमला मनु के छरहरे बदन को बार बार झकझोर रहा था। धर्म पिता ने उसे कई कंबल ओढ़ा रखे थे, किंतु व्यर्थ। तेज बुखार ने मनु की आंखों की चमक ही खत्म कर दी थी। पेड़ों में दर्द की जो असहनीय लहरें बार बार उठ रही थी, उन्हें सहने की शक्ति पाने की कोशिश में मनु का शरीर अपने आप गर्भस्थ शिशु जैसी मुद्रा में सिमट गया था। खामोश और चिंतित गांधी जी उसके सिरहाने से हट नहीं रहे थे। फिर से एक ऐसी स्थिति सामने थी जो गांधी जी के विश्वासों को गहरी चुनौती दे रही थी। उन्होंने हमेशा नैसर्गिक उपचार को सर्वश्रेष्ठ माना था। आधुनिक औषधि विज्ञान की उन्होंने यह कहकर भर्त्सना की थी कि इसमें मनुष्य की केवल शारीरिक क्षमताओं की चिंता की जाती है, आत्मा की शक्ति बढ़ाने की परवाह कभी नहीं की जाती। जो बीमारियां संयम और आत्मनियंत्रण से दूर हो सकती हैं, उन्हीं को यह विज्ञान दवाओं और गोलियों से ठीक करना चाहता है। इस विज्ञान के महारथी सेवा धर्म की भावना से नहीं, बल्कि केवल अपनी जेब गर्म करने के इरादे से इलाज करते हैं। गांधी जी कहते थे कि देश में ऐसी जड़ी बूटियों की कमी नहीं जो ईश्वर के प्रसाद जैसी है और सभी बीमारियों का इलाज कर सकती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा धर्म में विश्वास रखने वाला नैसर्गिक उपचार में विश्वास रखता ही है। आगा खान के महल में जब गांधी जी की पत्नी अंतिम सांसें गिन रही थी, तब डॉक्टर ने इंजेक्शन की सलाह दी थी और महात्मा ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि शरीर में सुई चुभोने जैसे कार्य से भी अहिंसा का सैद्धांतिक विरोध होता था। जब मनु ने पेड़ों में दर्द की शिकायत की, तो गांधी जी ने उसे नैसर्गिक उपचार देना शुरू किया। वही अनीमा, वही परहेज, वही मिट्टी के पेक। मनु की दशा बिगड़ती चली। 36 घंटे बीतते बीतते मामला नाजुक हो चला। नैसर्गिक उपचारों के भक्त होने के बावजूद महात्मा गांधी ने आधुनिक दवाओं का अध्ययन भी काफी विस्तार से किया था। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि उनकी धर्म पुत्री को किस बीमारी ने अपने सिकंजे में कस लिया है। वह जानते थे कि मनु वही करेगी जैसा वह आदेश देंगे। उनके प्रति मनु का विश्वास कितना गहन है, इसका परिचय एक नहीं उन्हें अनेक बार मिल चुका था। गांधी जी की अकुलाहट की सीमा नहीं थी, क्योंकि उनका नैसर्गिक उपचार काम नहीं कर रहा था। उनके अनुसार उपचार की विफलता का एक ही अर्थ था कि उनकी और मनु की मिलीजुली आत्मिक शक्ति भी पर्याप्त तीव्र नहीं बन पा रही। जैसा कि गांधी जी ने बाद में लिखा, लेकिन मुझे इतना साहस नहीं था कि मेरे प्रति उस सीमा तक समर्पित मनु को भी मैं चुपचाप मृत्यु का वरण करते देखता रहूं। गांधी जी ने हार मान ली और मानते ही वह भीतर बाहर से टूट गए, बिखर गए। जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को इंजेक्शन लगवाने से भी साफ इनकार इस आधार पर कर दिया था कि शरीर में सुई का प्रवेश होते ही अहिंसा का सिद्धांत टूट जाएगा, जिसने सिद्धांत की रक्षा के लिए पत्नी को चुपचाप मरने जाने दिया था, उसी ने घोर अनिच्छा से अपनी मरणासन धर्म पुत्री पर ऑपरेशन के औजार चलाने की इजाजत डॉक्टर को दे दी। मनु को तुरंत अस्पताल के आपात वार्ड में ले जाया गया।
वहां जब उसे बेहोश किया जा रहा था, गांधी जी ने उसकी आंखों को स्नेह से छूते हुए कहा, राम का नाम न भूलना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ घंटों बाद एक डॉक्टर ने सहसा गौर किया कि महात्मा के चेहरे का रंग एकदम उड़ा हुआ है। डॉक्टर चौंका, महात्मा को थाम कर वह एक किनारे ले गया और कातर स्वर में निवेदन करने लगा कि इतने दुखी ना होइए, ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय था। मनु बहन ठीक हो जाएगी, अपने आप को संभालिए, देश को आपकी सेवाओं की जरूरत है, सख्त जरूरत। उसकी ओर शिकायत भरी नजरों से देखते हुए गांधी जी ने उत्तर दिया, किसे जरूरत है मेरी, किसी को नहीं। जो कुर्सियों पर बैठे हैं उन्होंने मुझे छोड़ दिया, जनता भी मुझे भूलने लगती है। अब तो एक ही इच्छा रह गई है, राम का नाम लेता हुआ राम की ही शरण में पहुंच जाऊं, बस। धन्यवाद। ये था आज का चैप्टर 6। कल हम रात को 10 बजे सुनेंगे अपना चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है महल और शेर, हाथी और जवाहरात। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। बाय।